संडे स्पेशल में बच्चे अक्सर करके कुछ ना कुछ खाना पसंद करते हैं, उनको कोई अच्छी चीज़ चाहिए खाने के लिए, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सैंडविच की रेसिपी, आसानी से बन जाती है तो ज़रूर ट्राई करिए। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, तेल को अच्छे से गर्म होने दें, उसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, हमें इसमें ढेर सारी सब्जियों का इस्तेमाल करना है, 1 बारीक कटा हुआ कैप्सिकम शिमला मिर्च, 1 बारीक कटा हुआ गाजर, और इसके साथ हमें डाल देना है कॉर्न। अगर कॉर्न नहीं है तो आप इसकी जगह पनीर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप कॉर्न ले लिया है, भुट्टा ले लिया है। तो सारे वेजिस को हमें 1 से 2 मिनट तक गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखकर अच्छे से भून लेना है। जब ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें डालेंगे, सब्ज़ियाँ अच्छे से सॉफ्ट हो गई है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, आप चाहे तो हरी मिर्च काट कर भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, और इसी के साथ हमें अच्छे से सब्जियों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए, हल्की सी क्रिस्पी रखना है। यहाँ पर हमने वेजीज को बहुत अच्छे से भून लिया है तो गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और सब्जियों को एक बॉल में डाल देना है। तो यहाँ पर बहुत ही कलरफुल लग रही है ना सारी सब्जियाँ, अपने मनपसंद के हिसाब से आप इसमें सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। सब्जियों में डालेंगे कुछ सॉस, सबसे पहले 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस डालेंगे और 1 टीस्पून चिली सॉस, आप कोई भी हॉट सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मेयोनीज, ये प्लेन मेयोनीज है, आप टिक्का मेयोनीज या फिर कोई भी मेयोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेयोनीज डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चीज़, यहाँ पर मैंने चीज़ क्यूब को अच्छे से ग्रेट कर लिया है, ये तकरीबन 1 कप है, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ या फिर चीज़ शीट भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो जो भी अवेलेबल है आप वो चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चीज़ ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी सब्जियों को, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनके तैयार होती है। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फैमिली फ्रेंड के साथ तो इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें, आपके संडे को बहुत ही स्पेशल बना देगी ये रेसिपी। तो इस मिक्सचर को हम साइड में रखेंगे, ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे, मैंने यहाँ पर 2 से 3 ब्रेड की स्लाइस लिया है आपको दिखाने के लिए, बाकी इसमें से बहुत सारी सैंडविचेस बनके तैयार होती है। तो सबसे पहले 1 ब्रेड की स्लाइस पे इस तरीके से हमें सब्जियों की स्टफिंग करना है, सब्जियों को चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देना है, मैं इसमें कोटिंग करूँगी थोड़ा सा चीज़ से, आप चाहे तो इस पर चीज़ शीट भी ऐड कर सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ होती है बच्चों को कम लगती है चीज़, तो यहाँ चीज़ ऐड करने के बाद अच्छे से दूसरी ब्रेड की स्लाइस पर भी मैंने वेजिस को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है, उसके बाद दोनों स्लाइस को हमें मिला देना है, इस तरीके से सैंडविच तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, एक पे आप वेजिस की अच्छे से स्टफिंग करिए और चीज़ ऐड करिए, और दूसरे पे आप सॉस भी लगा सकते हैं, शेज़वान चटनी, और मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप अच्छे से ऐड करके एक सॉस तैयार कर लिया है। तो इस सॉस को हम दूसरे ब्रेड स्लाइस पर लगाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे। जिस तरीके से आपको सैंडविच पसंद है उस तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों साइड आप चाहे तो सॉस भी लगा सकते हैं या फिर वेजिस की स्टफिंग कर सकते हैं। सभी ब्रेड की स्लाइस को हमें इस तरीके से बनाकर रख लेना है, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप चाहे तो इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, जब भी ज़रूरत हो आप फ्राई करके खा सकते हैं। तो ब्रेड को फ्राई करने के लिए हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे, सबसे पहले 1 कप मैदा डालेंगे और इसमें डालेंगे हम सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, और इसी के साथ हमें इसमें 1 कप पानी ऐड करना है और अच्छे से घोल तैयार कर लेना है, बहुत ही आसानी से घोल बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें पतला सा रखना है, और ये घोल हमारी कोटिंग तैयार हो चुकी है। दूसरे प्लेट में ले लेंगे ब्रेड क्रम्स, और ये जो दोनों कोटिंग है हमें इसकी ज़रूरत है। सबसे पहले ब्रेड स्लाइस को हमें मैदे में अच्छे से डिप कर लेना है, दोनों साइड मैदे को लगा लेना है और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके हमें सैंडविच तैयार कर लेना है। दोनों साइड देखिए मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया है, बिल्कुल भी कोई जगह बाकी ना रहे, अच्छे से ब्रेड क्रम की हमें कोटिंग कर लेना है, और जितने भी सैंडविचेस हैं आप इस तरीके से बनाकर रख लीजिए। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। तेल को मैंने सबसे पहले हाई टेम्परेचर में बहुत ही अच्छे से हीट कर लिया है, अब यहाँ गैस का फ्लेम लो करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम में सैंडविच को फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये क्या है ऊपर से जल जाएगा तो वो थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आएगा। तो गैस का फ्लेम लो करके दोनों साइड हमें गोल्डन फ्राई होने तक सैंडविच को अच्छे से फ्राई कर लेना है,
इसके बाद देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया एक साइड, तो दूसरी साइड भी हम इसको प्यारा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और इनको तेल से निकाल लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होती है, तो बच्चों को ख़ास कर बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बड़े भी खा सकते हैं। आप इन्हें सॉस के साथ खाएं या फिर केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। मेयोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। तो कट्स करके मैं आपको दिखाती हूँ ये सैंडविच कितनी कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इस रेसिपी को ट्राई करिए, और भी रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय।